अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी, नाजरीन इकराम। शहर मैसूर में पहली मर्तबा टायर्स फरोख्त करने वाले, पंचर डालने वाले, टायर्स को रीबिल्ड करने वाले, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक यूनियन का इनकाद करने वाले हैं। इसलिए कल यानी 25 जनवरी को सफा फंक्शन हॉल उदयगिरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तो सभी टायर शॉप्स और पंचर शॉप्स वाले अपने अपने दुकान बंद करके इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस यूनियन के जिम्मेदारों ने टायर से वाबस्ता कारोबार करने वालों से क्या कुछ कहा है। जी जनाब, आज जितने भी टायर्स वाले हैं इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों इकट्ठा हुआ? पहले तो बात है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये हमारे क्या आवाज है, आज ये बनेंगे तो हमें एक टायरों की यूनियन बनाना है। हमें एक प्रोग्राम करी पूरे पंचरा वाले, पूरे सेल्स रिबिल्ड फैक्ट्री वाले पूरे मिलकर। आज मकसद क्या है मेन कहते, हमारे टायरों की यूनियन, ये टायरों की यूनियन बनाने का मकसद क्या है कहते, हमारे पास यूनियन ही है। अब हमें सभा 25 तारीख जुमेरात सफा शादी महल में 2 घंटे से 4 तक मीटिंग रखी, एक फंक्शन रखी है। मैं टेरा वाले के वास्ते मेरे को टेरा वाले के वास्ते कि यूनियन बना रही, क्या वास्ते मकसद बना रही है तो हमें देखे यूनियन से एक मदद मिलने को हम एक यूनियन बना रही। क्या भी एक पंचर वाले को हदीजा होना, टेरा वाले को हदीजा हुआ तो यूनियन से मदद मिलना कर को। अब और एक बात क्या है तो कौन भी आदमी आगो टेरांगे धुआना वाले को चोरी के टेरांगे डिसांगे सब लागो दे रहा, उसे जिम्मेदारी कौन भी नहीं है, उसे कौन भी पूछने वाला नहीं है। क्या बोला, हर चीज की यूनियन है, हमारे टेरांग की एक यूनियन ही है। अल्लाह के फजल से 700 से 800 दुकाना ही मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, टेरांग के दुकाना पंचरांग के दुकाना, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। और एक छोकरे को काम करने वाले को पंचर के दुकान वाले को क्या एक लिवर का मारे हथौड़ी का मार पड़ गया, उसका क्या एक एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ तभी तो ज्यादा पूछने वाला नहीं है। हमें उसके वास्ते पूरे कुटुंबा के साथ हमें पूरे मिलकर, हमारे मुसलमान हिंदू भाई हम पूरे हमें पूरे साथ मिलकर यूनियन बनाना होगा। हमें डिसाइडमेंट करिए अफसर भी होता। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। ऐसे 1950 से हमारे मैसूर में टायर का बिजनेस चालू में है, मगर हमें 2 बार ऑर्गेनाइज हुए थे। ऑर्गेनाइज होते होते और वो ख्वाबों में नहीं आने की वजह से फिर थोड़े डिस्टर्बेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज आने के बाद हम 8-10 साथ यहाँ बैठ कर डिस्कस करें, उसके बाद पूरे जने इन्वॉल्व होकर इसे ऑर्गेनाइज करना, इसे क्या हमें कैसा करना ऑर्गेनाइज करना, तो इसमें हुकूमत से भी बहुत सारे सहूलत हैं, वो सहूलत लेने के वास्ते हमें अभी तक क्या भी लेकर नहीं है। इसके वास्ते मैसूर जैसी बस्ती, टीपू सुल्तान और महाराजा की बस्ती है, ऐसी जगह बहुत सारे जंगान चल कर इनसो हमें एक तकरीबन भाई साहब बोले 700 दुकाना ही बोलकर 700 दुकाना के पूरी फैमिली को कंपेयर करें तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार फैमिली है हमारी। उसके बाद से हुकूमत से मुतालबा भी रखेंगे, फर्दर हमारी मीटिंग है सफा फंक्शन हॉल में ठीक 25 तारीख को 2 से 4 बजे तक। एक रिक्वेस्ट क्या बोले तो कल जुमेरात का दिन, एक रिक्वेस्ट क्या बोले तो पूरे भाइयों को जो वाल्कनाइजिंग काम करते हैं मैसूर टायर डीलर्स एंड वाल्कनाइजिंग वर्कर्स को एक रिक्वेस्ट, ठीक 12 बजे आप प्रेजेंट रहना और पूरा दिन दुकान बंद करना कर बोलकर। मेरा नाम तबरेज सेठ, मैसूर राजू अंत, एलजी टायर। ना मैसूर नगर दल यूनियन मोकी टायर पंचर मत टायर डीलर रीबिल्ट एलू सेरी ना सफा फंक्शन हालू उदयगिरी 2-4 गंटे वो मीटिंग इटकी एलू वर्कर्स पंचर अंगीरबू डीलर एलू अनुकूल आगली अंतुट अली ना वो चर्चा एलू ओपिनियन तक मुद्दे उलसी बेसकुंत ना कार्यक्रम हमको। मैसूर टायर डीलर्स यूनियन एलूवे मैसूर पंचर अंगड़ियों टायर डीलर आमेल टायर रीबिल्ड कंपनियों बंद सहकर्षि नम यूनियन बेसू कलगार अनुकूल मोड़ कलगार तौरे एलू ओबी
ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ನಾಳೆ 2-4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಟೈರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ವಾಲ್ಕನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸಫಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಉದಯಗಿರಿ ಸಫಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सब लोग जो है सफा फंक्शन हॉल में आकर जो है इनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करें और सुबह सब जने जो जितने भी टायर के जो संबंध है वहां के सब लोग जो है अपने शॉप्स को अपने दुकानों को बंद कर जो है इनकी हिम्मत अफजाई के लिए सफा फंक्शन हॉल पहुंचे. और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है इन सब के इस खिदमत को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.